हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आपको पता है कलर के एग्ज़ाम जो है उसकी फाइनल डेट आ चुकी है। 21, 22 और 23 तारीख को कलर का एग्ज़ाम है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया जीके का, जिसकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके HSSC में कई बार पूछे गए हैं और अदर्स एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस भी बनते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी क्वेश्चन MCQ में है, तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर चलना और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है, ये धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो देखिए, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ओके, और राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना ये राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, तो इसलिए राज्य के राज्यपाल की सहमति होना आवश्यक है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और देखिए, 360 लगता है वित्तीय आपातकाल और 352 लगता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगर कोई युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो तो 352 लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए, आपको पता, जो पिछले पेपर हुए थे ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, उसके अंदर ऐसे लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये भारत के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? और आपको पता होगा सूची हमारी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी संघ सूची, एक होती है हमारी राज्य सूची, और तीसरी जो हमारी होगी वो होगी समवर्ती सूची। और देखिए, समवर्ती सूची के अंदर आपको बता दूँ, पहले जो संघ सूची है वो केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत केवल राज्य की व्यवस्था होती है, और जो समवर्ती सूची होती है वो केंद्र और राज्य दोनों का मिश्रण होती है, यानी कि इसके अंदर दोनों ही कार्य करती हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत होता है। तो वो होता है हमारा शिक्षा, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, और रक्षा जो है यह संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भाग तृतीय में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आठ है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति जो है किस प्रकार की समिति है? तो यह एक त्रिस्तरीय समिति है, आपको पता होना चाहिए। और इसका गठन हुआ था 1957 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से? वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ओके, और इनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है?
तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा और उम्मीद है आपने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये क्या है, समानता का अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अनुच्छेद 23 से 24 है ये कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता है धर्म, और अनुच्छेद 29 से 30 जो है ये हमारा शिक्षा का अधिकार है। ओके, तो अनुच्छेद 19 से 22 कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो देखिए संघ शासित क्षेत्र के जो प्रशासक हैं उनमें उपराज्यपाल बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक दिल्ली को लगा लीजिए, दिल्ली में भी जो शासक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उपराज्यपाल बोलेंगे। चंडीगढ़ के शासक को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, इन्होंने संसद का सामना एक भी बार नहीं किया और सीधे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? और अब देखिए अब योजना आयोग की जगह क्या चलता है हमारा, आपको पता होना चाहिए। तो अब नीति आयोग हो चुका है इसका नाम, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना, और ये किस क्षेत्र में कार्यरत करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो कौन है भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करें, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, और अगर मैं राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करूं तो हम उसको क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ओके, और ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो देखिए लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में कोरम की संख्या कितनी होती है, उनकी कुल संख्या का 1/10 होती है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा की संख्या कितनी है, कुल 250 है, तो अगर मैं बोलूँ इसकी कोरम संख्या कितनी होगी तो इसका 1/10 होगी, यानी कि राज्यसभा की कोरम संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो देखिए इसमें लोकसभा में अगर कोरम पूरा नहीं होता तो लोकसभा अध्यक्ष संसद का स्थगन भी कर सकता है और संसद का निलंबन भी कर सकता है, तो उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया था, ये पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ओके, और देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? तो केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। 24 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी। 25 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है केवल लोकसभा में, जो कि क्या होता है, संसद का निम्न सदन होता है। ओके,
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 26, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राय है। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? पंचायती राज है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंचायती राज का प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है। 27 है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी आयोग संबंधित है, सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्यों के संबंधों से, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो किस आधार पर लगता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो यह लगता है संविधान के अतिक्रमण करने पर। यदि कोई राष्ट्रपति अपने हित के लिए कार्य करता है या फिर संविधान के अतिक्रमण करता है, संविधान का जो है पालन नहीं करता, तो उसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, और महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ओके, अगर महाभियोग में राष्ट्रपति की गलती पाई जाती है तो उसको राष्ट्रपति पद से निलंबित किया जाता है, और फिर जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और देखिए कल आपकी साइंस की और एक हरियाणा जीके की वीडियो आएगी, दो वीडियो कल अपलोड की जाएंगी। और हमारे चैनल पे हरियाणा का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, हरियाणा में प्रथम, हरियाणा करंट अफेयर्स की सभी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हरियाणा में कौन क्या है, हरियाणा में पुरस्कार और सम्मान, हरियाणा के बुक्स एंड ऑथर, सभी वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको जाकर देख लेना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।